जैंट प्यारे बच्चों, अब मैं आप लोग सामने कोशिका टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं हम सेल। ध्यान दीजिएगा, सेल यानी कोशिका, जिसे साइटो शब्द के रूप में भी लिया गया है, क्योंकि कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी भी कहा जाता है। खोज की बात करते हैं, इसकी खोज 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने खुद के बनाए माइक्रोस्कोप से किया। बात की जाती है कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। खोज तो रॉबर्ट हुक ने किया है, लेकिन खोज जिस कोशिका की उन्होंने की थी वो पादप कोशिका थी, और जो मृत थी। कैसी थी? मृत, यानी इन्होंने जिस कोशिका को खोजा था वो डेड प्लांट सेल था, वो मृत कोशिका थी, जो कार्क कैम्बियम में इन्होंने खोजा था। कहाँ खोजा था? कार्क कैम्बियम में। कार्क कैम्बियम ये छाल था पौधे का, उस छाल में इन्होंने खोजा था। और इसकी संरचना जो थी मधुमक्खी के छत्ते जैसी। कैसी थी? मधुमक्खी के छत्ते जैसी इसकी संरचना थी। फिर यही बात की जाती है कि सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने खोजा था। तो जीवित कोशिका को खोजने का श्रेय सबसे पहले लिविंग सेल डिस्कवर करने का श्रेय, लिविंग सेल का श्रेय एंटोनी वान ल्यूवेन हाफ को जाता है। किसे आता है? एंटोनी वान ल्यूवेन हाफ, इस बात को याद रखिएगा। और सबसे पहले इन्होंने लिविंग सेल को खोजा था। कहाँ खोजा था? तालाब के जल, तालाब के जल में। और इन्होंने बैक्टीरिया को भी खोजा था। किसको खोजा था? बैक्टीरिया, याद रखिएगा। 1674। इस खोज के लिए, बैक्टीरिया के खोज के लिए और इसके बारे में व्याख्या करने के लिए के कारण इन्हें एंटोनी वान ल्यूवेन हाफ को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा गया। देखिएगा, इस खोज के लिए एंटोनी वान ल्यूवेन हाफ को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा गया। याद रखिएगा, सेल शब्द जो है वो लेटिन शब्द बना हुआ है। किससे बना हुआ है? लेटिन शब्द, लेटिन भाषा के शब्द ए सेलुला से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ए सेलुला। और ए सेलुला मतलब होता है ए रूम। क्या होता है? ए रूम, एक कमरा। बट ये कहा जाता है कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। एक वयस्क व्यक्ति में, एक मनुष्य के शरीर में लगभग कितनी कोशिकाएं होती हैं? इज एनी आइडिया? कितनी? अनगिनत। इन्होंने जवाब दिया अनगिनत। अगर गूगल ये आपसे कंपटीशन क्वेश्चन पूछे कि एक एक व्यक्ति के शरीर में लगभग कितनी कोशिकाएं होती हैं, याद रखिएगा लगभग 37 ट्रिलियन, लगभग 37 ट्रिलियन। और याद रखिएगा, एक ट्रिलियन बराबर होता है 1,00,000,000,000,000। एक ट्रिलियन बराबर 1,00,000,000,000,000। जवाब आपके पास था अनगिनत, यहाँ जवाब मैंने आपको दे दिया। एक व्यक्ति के शरीर में लगभग कितनी कोशिकाएं होती हैं? 37 ट्रिलियन।
एक वयस्क 31 विकसित व्यक्ति की शरीर की बात कर रहे हैं, लगभग 37 ट्रिलियन होती हैं और 1 ट्रिलियन जो होता है वो 1,00,000 करोड़ के बराबर होता है। याद रखिएगा, सबसे पहले कोशिका खोजा किसने था? रॉबर्ट हुक ने। पूछ दिया जाता है कोशिका शब्द किसने दिया? कोई और दिए? किसी और ने दिया? कोशिका शब्द भी रॉबर्ट हुक ने ही दिया था। याद रखिएगा, कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक को कहते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी। याद रखिएगा, फादर ऑफ साइटोलॉजी, ये आपके रॉबर्ट हुक कहलाते हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक कहलाते हैं। और यही आपसे कई प्रश्न, अभी मैंने कई प्रश्न आपसे डिस्कस किए थे और ध्यान देते चलिएगा। पहला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी जंतु कोशिका, विश्व की सबसे बड़ी जंतु कोशिका, याद रखिएगा ऑस्ट्रिच एग बोलते हैं, शुतुरमुर्ग का अंडा लगभग कितने ग्राम का होता है? याद रखिएगा, लगभग 2.25 किलोग्राम का होता है। लगभग कितने? 2.25 किलोग्राम का अंडा एक बार उबालिए, कई दिन खाइए। ठीक। दूसरा, विश्व की सबसे छोटी कोशिका, तो विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइक्रो प्लाज्मा, याद रखिएगा PPLU, इसे बोलते हैं प्लूरोमॉर्फिक न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तीसरा, विश्व की सबसे छोटी शैवाल कोशिका, इसका जवाब होगा क्लेमाइडोमोनास, इसका जवाब होगा क्लेमाइडोमोनास। चौथा, विश्व की सबसे बड़ी शैवाल कोशिका, इसका जवाब होगा एसिटाबुलेरिया, क्या होगा? एसिटाबुलेरिया। बिल्कुल याद रखने वाली चीजें, ये ही सारे प्रश्न आपसे बनते हैं, है ना। विश्व की सबसे बड़ी शैवाल कोशिका एसिटाबुलेरिया, विश्व की सबसे छोटी शैवाल कोशिका क्लेमाइडोमोनास, विश्व की सबसे बड़ी पादप कोशिका जाइलम। या हम कह सकते हैं सबसे बड़ी व लंबी पादप कोशिका, इसका सीधा जवाब है जाइलम। जाइलम को क्या बोलते हैं? दारु। जाइलम क्या बोलते हैं? दारु कोशिका, याद रखिएगा। चलिए, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका, याद रखिएगा तंत्रिका कोशिका, क्या बोलते हैं? नर्व सेल। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मनुष्य मनुष्य प्रायः पुरुष की बात कर रहा है कि शरीर की सबसे छोटी कोशिका, याद रखिएगा इस पर। अगला,
महिला शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, याद रखिएगा अंडाणु यानी उवम या एग सेल। आप याद रखिएगा जंतुओं के शरीर की सबसे लंबी कोशिका या जंतुओं के शरीर की लंबी सबसे लंबी कोशिका उत्तर में याद रखिएगा जिराफ के गर्दन की तंत्रिका कोशिका, जिराफ के गर्दन की तंत्रिका कोशिका। ये बोलिए सारे के सारे दमदार प्रश्न केवल कोशिका से रिलेटेड आपके सामने रखे गए हैं कि ये विश्व की सबसे बड़ी जंतु कोशिका, विश्व की सबसे छोटी कोशिका, विश्व की सबसे छोटी शैवाल कोशिका, विश्व का सबसे छोटा बीज, ये भी जवाब दीजिए तो आप लोग, विश्व का सबसे छोटा बीज नहीं है जवाब, नहीं है जवाब, विश्व का सबसे छोटा बीज आर्किड। और विश्व का सबसे बड़ा बीज विश्व का सबसे बड़ा बीज याद रखिएगा कोको डेमोर, कोको डेमोर। ये आपके सामने सारे के सारे कोशिका और बीज से रिलेटेड प्रश्न मैंने आपके सामने दिए और सारे के सारे दमदार प्रश्न हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक, प्लीज द सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन।